हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट करने के पहले मैं यही कहूंगा कि प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट टू माय चैनल। थोड़ा सपोर्ट कर दो चैनल को, थोड़ा और ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा और ज्यादा बड़ा बन सकता है उसी हिसाब से। सो प्लीज डू दैट। आज बिग बॉस की मैं बात करूंगा। हालांकि मैं हफ्ते में एक वीडियो बिग बॉस निकालता हूँ, पर इस बार दो निकल रहे हैं, बिकॉज मैंने सोचा आधा सीजन तो हो गया है। अब ये जो कंटेस्टेंट्स है, इनकी असलियत भी बाहर आ चुकी है, तो इनकी असलियत के बारे में बात करते हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो ऐसा बनाओ जिसमें मैं हर एक कंटेस्टेंट के बारे में अपनी राय, अपनी टिप्पणी दूं, और आप भी कमेंट बॉक्स में शेयर करो आपकी राय किसके लिए क्या है, तो मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पॉपुलर फेस इस सीजन की, वो है अंकिता लोखंडे। देखो, अंकिता लोखंडे शुरू में जब आई थी तब मुझे लगा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, ऑब्वियसली फैन बेस ज्यादा है, तो ये अंत तक तो रुक सकती है, टॉप फाइव में आ सकती है, पर कहीं ना कहीं मुझे इनका गेम दिख नहीं रहा है, ये खेल नहीं पा रही है। बहुत ज्यादा अपने पति के प्यार में थोड़ी सी वो कहते हैं ना कि ओवर प्रोटेक्टिव हो गई है, थोड़ा सा कॉन्शियस भी हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पति की वजह से वो अपना गेम नहीं दिखा पा रही है। हालांकि वो मुद्दों में अपना राय देती है, सब कुछ करती है, बट स्टिल आई फील उनका एक पर्टिकुलर गेम या उनकी एक पर्सनैलिटी जो है वो सही से बाहर नहीं आ रही है। शी इज अ गुड ह्यूमन बींग और वो ज्यादा गेम्स नहीं खेल सकती हैं, पर यू नो प्यार में थोड़ा कॉन्शियस होना ये ठीक नहीं है, स्पेशली जब आप कोई एक गेम शो में आए हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अंकिता को थोड़ा सा बकअप होना पड़ेगा, थोड़ा अपना गेम हाई करना पड़ेगा, और क्या पता अगर विकी एलिमिनेट हो जाते हैं उसके बाद ऐसा कुछ दिखे, बट वो भी मुझे कम ही उसके चांसेस लगते हैं। अब दूसरी बात करूंगा मैं उन्हीं के पति विकी जैन, विकी भैया की। देखिए, विकी का ऐसा है कि ये एक शातिर दिमाग वाले आदमी है। जब ये आए थे तब बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ही ज़्यादा गेम को समझने वाले लगे, और मेरे वन ऑफ द फेवरेट कंटेस्टेंट अभी भी हैं वो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल में गेम खेल रहे हैं। हालांकि बहुत बार गेम उन पर भारी पड़ी है, और रिसेंटली रिसेंट वीक्स में हमने वो देखा भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अब थोड़ा प्रिडिक्टेबल हो रहे हैं जिस तरीके से वो अपना गेम प्लान खेल रहे हैं। आई जस्ट होप कि वो मुनावर को भी उस गेम प्लान में शामिल ना कर ले, वो मुनावर उनके गेम का एक बलि का बकरा ना बन जाए, बिकॉज बहुत अच्छी बनती है, मुनावर उनको बहुत ज़्यादा मानते भी हैं। तो आई डोंट नो, यू नो गेम है, और आई कैन नॉट रियली ट्रस्ट विकी कि वो एक्चुअल में कितना रिलेशनशिप निभाएंगे इस घर में। बट एनीवेज, ही इज प्लेइंग गुड एंड आई एम श्योर वो भी टॉप फाइव कंटेस्टेंट्स में एक हैं। अब बात करते हैं मुनावर की। मुनावर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस का एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। वो धीरे धीरे आराम से आए, लोगों ने पसंद किया, और वो अपना कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअलिटी है, अपनी जो पर्सनालिटी है, उनका जो नेचर है, उस हिसाब से चल रहे हैं वो। कुछ भी मुझे उनमें दिखावा नहीं दिखता है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। आई थिंक ही इज द ओनली और ही इज वन ऑफ द ओनली कंटेस्टेंट जो जैसे हैं वैसे दिख रहे हैं, एंड कुछ भी फेक नजर नहीं आ रहा है उनमें। तो ही इज ऑब्वियसली अनदर फेवरेट इन द हाउस, और मैं तो इनको भी कहूंगा कि ये टॉप फाइव में मेरे लिए जरूर आ सकते हैं और आने भी चाहिए। उसके बाद मैं बात करूंगा उन्हीं की दोस्त मनारा की। अब मनारा का ऐसा है, शुरू में जब आई थी तब बहुत ज्यादा प्यारी लगी, अच्छी लगी, इनोसेंट लगी, अभी भी कहीं ना कहीं वो उनमें इनोसेंस है, पर बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, सोचती नहीं है दूसरों के बारे में, और रोती बहुत है अभी। हालांकि पिछले कुछ टाइम से रोना बंद कर दिया है, बट उनकी भी कोई खास ऐसी पर्सनालिटी दिख नहीं रही है मुझे जो ऐसा लगे कि हाँ यार, इसने कुछ किया है, इसमें कुछ बात है। अब वो थोड़ा गेम में फंस चुकी है एंड सबसे बात कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो पर्सनालिटी है वो फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक में ज़्यादा फेक लगी, और अब थोड़ा फिर भी रियल लग रहा है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। एंड अगेन, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं उन्हें टॉप फाइव में देखता हूँ, बट डेफिनेटली वो टॉप सेवन, टॉप एट कंटेस्टेंट में मेरे हिसाब से है। अब मैं बात करूंगा सना। सना शेख का मैं आपको क्लियरली कह दूं कि ये बस चल रही है, तब तक चल रही है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले बिग बॉस ने बताया था कि ऐसा बताओ कि कौन ग्रेस पीरियड में रह रहा है, तो आई थिंक सना सबसे पहले होनी चाहिए थी उस लिस्ट में, बिकॉज वो कुछ भी नहीं कर रही है गेम में। वो इनफैक्ट उनको समझ में नहीं आ रहा है गेम क्या है, एंड ऑब्वियसली अगर आप लॉयर हो, आप गेम शोज में गेम नहीं खेल सकते हो, बिकॉज आप एक असली गेम के लिए बने हो। तो बट एनीवेज, वो कुछ दिनों की मेहमान है, मुझे ऐसा लग रहा है घर में वो ज़्यादा टिकेंगी नहीं,
प्रॉबली इस वीक नेक्स्ट वीक कभी भी निकल सकती हैं वो, एंड वो अभी बस सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रही है एंड 100% फेक लग रही है वो, जहां पर डांस करना भी हो या जहां पर कोई मुद्दा भी रखना हो या जहां पर कुछ भी करना, अभी वो जो भी कदम उठा रही है वो फेक लग रहा है। तो आई थिंक वो तो मेरे टॉप 15 में भी नहीं है। बात करूंगा अब अभिषेक की। अभिषेक जब आए तब बहुत ज्यादा इरिटेटिंग थे, बहुत ज्यादा मुझे ना पसंद थे, वन ऑफ द लीस्ट लाइक कैरेक्टर थे मेरे लिए वो। बट अब धीरे धीरे वो थोड़े बेटर होते जा रहे हैं, जब से ईशा के साथ, ईशा का बॉयफ्रेंड समर्थ आया उसके बाद से थोड़े और बेटर हो गए हैं। हालांकि अभी भी वो थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं पर पहले से कम हुए हैं, एंड वो जेन्युइनली गेम खेल रहे हैं वो। मतलब उनको पता है कि वो चिल्लाएंगे, मुद्दा रखेंगे, बीच बाजार में बातें करेंगे, किसी का मजाक उड़ाएंगे, कुछ भी करेंगे तो वो दिखेंगे। उनको ये नहीं पड़ी है कि उनकी इज्जत क्या होगी या लोग उनको क्या समझेंगे क्या नहीं, उनको उन चीज की कुछ नहीं पड़ी है। तो मेरे लिए वो इंसान तो फेक ही होता है जो सिर्फ गेम के लिए खेल रहा है। एंड ठीक है, अगर आप गेम के लिए कर रहे हो तो आप जाओगे, आप आगे भी जाओगे। ये भी मेरे लिए टॉप 5 में एक है कंटेस्टेंट। तो यस, अभिषेक इज अ गुड प्लेयर, ही इज प्लेइंग वेल, बट अगेन फेक लग रहे हैं मुझे। मुझे ज्यादा उसमें वो मजा नहीं आ रहा है गेम, उनके गेम में। बट अब वो खानजादी के साथ जो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी बेकार है। तो आई जस्ट होप वो अब टास्क में थोड़ा सा और बेटर हो, बिकॉज अब थोड़े डिफिकल्ट टास्क भी आएंगे। अब मैं बात करूंगा जिग्ना जी की। जिग्ना जी भी वन ऑफ दोज कंटेस्टेंट है जिनसे मुझे बहुत उम्मीद थी, बट कहीं ना कहीं वो उम्मीद पे खड़ी नहीं उतरी, बिकॉज वो काम, घर के कामकाज में लगी रह गई शायद। और उनका जो पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिंकू जी के साथ ही रह के रह जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा दिखती नहीं है, एंड वो भी पॉसिबली 2-3 हफ्ते में वो भी निकल जाएंगी। एंड ग्रेस पीरियड के लिए उनको भी नॉमिनेट किया था रिंकू जी के साथ में, तो आई रियली अग्री टू दैट। एंड यस, आई थिंक वो भी कुछ हफ्तों की ही मेहमान है, बिकॉज अब मुझे नहीं लगता कि वो गेम में कुछ और एडिशनल कर पाएंगी। उसके बाद मैं बात करूंगा रिंकू जी की। रिंकू भी सेम जैसा मैंने जिग्ना के लिए कहा वैसा ही है, हालांकि वो थोड़ा सा बेटर है जिग्ना जी से, जहां पर वो अपने पॉइंट रखती है, शी फाइट्स एंड शी इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सनैलिटी। तो मेरे हिसाब से वो थोड़ी बेटर है। तो शायद जिग्ना जी अगर 7वें हफ्ते में निकले तो रिंकू शायद 8वें या 9वें हफ्ते में निकले। बट अगेन वो वैसे ही है जो मैंने जिग्ना जी के लिए कहा कि शी इज नॉट अ वेरी डायनामिक कैरेक्टर एज पर द हाउस, और मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा इस खेल में टिक पाएंगी। अब मैं बात करूंगा अरुण की। अरुण से भी मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, मुझे ऐसा लगा था कि वो लंबी रेस का घोड़ा होंगे, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है शायद वो टॉप 10 में हो सकते हैं बट नॉट टॉप 5 फॉर श्योर। एटलीस्ट आधा सीजन निकल गया तब तक तो मैं यही कह सकता हूँ, अनलेस एंड अंटिल वो अपने गेम में कुछ अलग कर दे, जो मुझे लगता है नहीं। नो डाउट कॉमेडी है अच्छा, एक पंच मारते हैं हर चीज में, वो एक कॉमेडी एंगल निकालते हैं, करते सब कुछ, दैट इज टोटली फाइन। बट व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग गेम, आपको खुद का दिमाग लगाना बहुत जरूरी है। आप किसी और के दिमाग लगाने पे उस पर बिलीव नहीं कर सकते। जैसे वो विकी पे कभी बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, कभी कोई कुछ बोले तो उस पर भरोसा कर लेते हैं, कभी सनी कुछ बोल देगा तो उस पर भरोसा कर लेते हैं। तो मतलब खुद का दिमाग मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उनमें है जो ये गेम के लिए वो लगा सके। तो दैट्स वाई आई डोंट थिंक वो ज्यादा टाइम तक टिकेंगे, बट ही इज अ लाइकेबल कैरेक्टर, तो मुझे ऐसा लगता है टॉप 10 में वो रहेंगे जरूर। एंड अगेन तहलका भाई की मैं अगर बात करूँ, उनका भी करीब करीब सेम ही है। वो मैं कहता हूँ टॉप 10 में तो मैं उनको नहीं देखता हूँ, पर आई थिंक जिग्ना, रिंकू इनके ही कैटेगरी में आते हैं, जो मुझे लगता है अगले कुछ हफ्तों में वो भी एविक्ट हो जाएंगे, अनलेस एंड अंटिल उनकी फैन बेस जो बाहर बहुत बड़ी है वो उनको सपोर्ट करती रहे। तो यस, तहलका भाई के लिए मैं वही कहूंगा कि वो तो अरुण अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाता होगा, तहलका तो उतना भी नहीं लगाता है, वो थोड़ा सा अरुण के आड़ में ही आए हुए रहता है, उसके पीछे ही चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको भी थोड़ा सा गेम समझने की जरूरत है, जो वो नहीं समझ पा रहे और पता नहीं अब समझेंगे भी या नहीं। बट एनी वेज आई ऑल्सो डोंट सी हिम इन टॉप 12 और टॉप 13 ऑल्सो। अब मैं बात करूंगा ईशा की। ईशा जिसको मैं कहता हूँ, जिसको जो कंटेस्टेंट मुझे सबसे कम पसंद है, ये उनमें से है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरा स्टैंड अभी भी वही है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि पहले अगर मैं उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद करता था, अब थोड़ा सा वो लाइकिंग आई है, बट मामूली सी, नॉट दैट मच, बिकॉज अब एटलीस्ट वो फालतू के मुद्दे नहीं उठा रही है, फालतू की चीजें नहीं बोल रही है, और अब तो उनकी सारी पोल खुल चुकी है, तो अब कोई उसको बोले भी क्या। वो दिखती भी कम है, किसी दूसरे के मुद्दों में आ जाती है, तो उनका खुद का तो कोई रोल है नहीं। समर्थ उनके साथ में खेल रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। अभिषेक की वजह से कहीं ना कहीं वो दिख जाती है,
दैट्स इट, अदरवाइज मुझे उनमें कुछ खास बात लगती है नहीं, बट आई फील वो टॉप 7 टॉप 8 कंटेस्टेंट में होगी बिकॉज मे बी शी इज अ कलर्स फेस और आने वाले टाइम की आई थिंक वो एक बड़ी एक्ट्रेस बन सकती है बिकॉज ऑफ हर लुक्स एंड मैंने उनके एक आध वो एपिसोड्स भी देखे हैं, तो शी इज अ नाइस एक्टर ऑल्सो, तो मेरे हिसाब से उस वजह से वो टॉप 7 टॉप 8 में हो सकती है। अब बात करूँ समर्थ की, समर्थ मुझे पसंद है, वो कॉमेडियन है, अच्छा टाइम पास करते हैं, उनको पड़ी नहीं है इधर उधर की ज्यादा बातें, इधर उधर करते नहीं है, पर उनका गेम कुछ नहीं है, उनका भी मतलब जैसा अरुण और तहल का वैसा उनका भी कोई खुद का इंडिविजुअल दिमाग नहीं है, वो बातों में आ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी कुछ भी रिएक्ट कर लेते हैं, तो वो एक चीज है जो उनकी बिल्कुल अच्छी नहीं, अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ एक कॉमेडियन होता है ना फिल्म में, उस हिसाब से वो ठीक है, बट अगेन आई फील के वो भी टॉप 12 टॉप 13 तक ही रहेंगे, ज्यादा मुझे नहीं लगता कि वो टिक पाएंगे, बट आई थिंक कहीं ना कहीं जिगना रिंकू तहलका इनके निकलने के बाद इनका टर्न आएगा। अब मैं बात करूंगा नील का, नील का मैं ये कहूँ जैसे बिग बॉस कहते हैं उनके बहुत ओबीडियंट स्टूडेंट है नील, और इस घर के सबसे वेल मैनर्ड पर्सन भी है, और मुझे भी अच्छे लगते हैं वो, कि जिस तरीके से वो कंट्रोल होकर काम करते हैं, गुस्सा भी होते हैं तो अपना बात सही रख के गुस्सा होते हैं, गुस्से में कुछ भी फालतू चीज नहीं बोलते हैं, तो ऐसे फालतूगिरी से भले वो दूर रहें बट कहीं ना कहीं उनमें वो ऐश्वर्या के चक्कर में वो थोड़ा सा छुप जाते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं नहीं, अलग हो तब जाके दोनों को एक दूसरे का गेम खेलने मिले, तो मुझे वो चीज़ नहीं दिखती है, अदरवाइज ही इज अ गुड कंटेस्टेंट एंड लंबी रेस का घोड़ा भी है, मुझे लगता है ये टॉप 10 में आएंगे, इनफैक्ट टॉप 8 में भी हो सकते हैं, तो यस नील इज अ गुड ह्यूमन बींग बट प्रॉबली नॉट अ ग्रेट प्लेयर, तो यही मैं कहना चाहूंगा। और ऐश्वर्या की अगर मैं बात करूं वो भी मुझे कम ही पसंद है, मुझे इतनी पसंद नहीं है, हालांकि वो ज्यादा दिखती भी नहीं है, और वो जिस तरीके से बात करती है नील से मुझे वो भी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सा वो कंट्रोल करने की जरूरत है, और उन्होंने किया भी है बट अब कितना किया है वो पता नहीं, बट एनीवेज अब जब से सलमान खान ने उनको फायरिंग दी है वो दोनों वापस दिखना कम हो गए हैं, तो ये एक चीज है। तो ऐश्वर्या का भी मैं यही कहूंगा कि आई सी हर इन प्रोबेबली टॉप 10 टॉप 12, पर डेफिनेटली आई थिंक ऐश्वर्या नील से पहले जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है, बट आगे देखते हैं किसका फैन बेस कितना भारी है और किसको पहले निकालता है। अब मैं बात करूंगा खानजादी की, खानजादी एक ऐसी कैरेक्टर है जो हर हफ्ते गिरगिट की तरह चेंज होती है, कभी अच्छी लगती है कभी बुरी लगती है, और अभिषेक के साथ में जो उनकी केमिस्ट्री चलती है वो बहुत ज्यादा अजीब लगती है, मुझे पसंद नहीं आती, मतलब वो जो भी करती है मेजोरिटी चीजें मुझे कमी पसंद आती है, और वो जो भी मुद्दे उठाती है वो भी मुझे ऐसा लगता है सिर्फ कैमरे के लिए उठाती है, तो उनका कोई मुझे स्टैंड लगता नहीं है, अदर देन लुकिंग प्रिटी शी डजंट हैव एनीथिंग एल्स, मतलब मुझे स्मार्टनेस कम दिखाई देती है उनमें, और हर चीज मुझे बनावटी लगती है उनमें, तो शी बट ऐसा है कि ऐसे लोग ही कहीं ना कहीं टॉप 10 में आ जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है खानजादी टॉप 10 में तो होगी बट टॉप 5 में आई रियली डाउट। एंड लास्टली मैं अगर बात करूं अनुराग दोबाल की, हमारे बाबू भैया की, वेल ये जो कैरेक्टर है ना ये बहुत ही यूनिक कैरेक्टर लगते हैं मुझे, ये बिग बॉस को बायस बोलते हैं, सलमान खान के लिए कुछ बोल देते हैं, मतलब वो बोलते तो बिंदास है बट कहीं ना कहीं जो बोलते हैं वो कड़वा बोलते हैं, तो मुझे पसंद नहीं है, मुझे ऐसे मतलब उनका वो गेम मुझे पसंद नहीं है, उनका खुद का कोई स्टैंड नहीं है, चुगलीखोर है बहुत बहुत, इधर की बात उधर करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको वो गेम समझने की जरूरत है, उनको थोड़ा बेटर पर्सन होने की जरूरत है, क्योंकि उनके फैंस है बाहर तो वो भी प्राउड फील करने चाहिए उसके लिए, तो हालांकि उनके फैंस बाहर बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, पर अगेन यू नो जो लोगों को दिख रहा है टीवी में लोग तो वही समझेंगे कि वो वैसे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने फैंस के बारे में ऐसा कहा था कि मतलब मैं खुद के मेहनत पे हूँ तब फैंस बने, तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था, तो आई ऑल्सो थिंक के वो एक ऐसे कैरेक्टर है जो बिना दिमाग से खेल रहे हैं एंड इमोशनल भी नहीं है वो, मतलब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है गेम का, सो दिस इज वॉट आई फील, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ही कैन ऑल, उनकी फैन बेस वैसे बहुत स्ट्रांग है, तो ही कैन बी वन ऑफ द टॉप 5, आई डोंट नो, बट मेरे लिए अगर बाबू भैया को एज एन इंडिविजुअल देखे तो वो टॉप 12 टॉप 10 मैक्सिमम वहां तक ही टिकते हैं, तो यस ये है मेरी राय इन सारे कंटेस्टेंट्स के बारे में आफ्टर हाफ ऑफ द सीजन, एंड आप मुझे बताइए आपकी क्या ओपिनियन है हर कंटेस्टेंट को लेके, या आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है उसके बारे में कुछ बताइए, एंड लेट्स हैव अ डिस्कशन, टिल देन मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।